अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हमारे पास ये जो गाड़ी रिपेयर होने पर आया है इसका क्या फॉल्ट है ये सबसे पहले सुन लीजिए। ये गाड़ी का बहुत दूर चार्ज ख़त्म हो गया था, उसके बाद से ये गाड़ी खींच के लेके आए बाइक से, उसके बाद से इसका प्रॉब्लम हुआ कि ये झटका मार रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। तो इसमें हमने सबसे पहले कि सेंसर को चेक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सेंसर शॉर्टिंग दिखा रहा है। आप देख सकते हो तीनों लाइट एक साथ जल रहा है, कभी कभी जब भी हम इधर चक्का को घुमा रहा है तो देख सकते हो अभी तीनों लाइट एक साथ ही जल रहा है। तो सबसे पहले हम सेंसर को ही इसका चेक किए, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सेंसर इसका शॉर्ट है। और एक चीज़ इसका ख़राब है जो आपको बताएंगे, देखिए यहाँ पे तीनों एलईडी एक साथ बंद भी हो रहा है। देखो एक साथ तो जल रहा है, इसका मतलब है कि इसका सेंसर शॉर्ट है, बाकी तीनों एक साथ कभी कभी बंद हो जा रहा है। तो इसका मैग्नेट का भी फॉल्ट है। तो आप लोगों का मैं इधर से दिखा था, एक बार देखिए चक्का को हमारा घुमा रहा है उस साइड पर, और इधर जब भी हम डिवाइस से चेक कर रहे हैं तो देखिए एक साथ तीनों जल रहा है, तीनों एक साथ बंद भी हो रहा है। ठीक है, चक्का को साइड से देखिए घुमा रहे उस टाइम। तो इसमें सेंसर तो फॉल्ट है ही और इसका मैग्नेट भी ख़राब हो गया। ठीक है, तो इसको खोल के देखेंगे कि क्या चीज़ का अंदर फॉल्ट है। इसमें तो बाहर से ही पता चल गया हमको कि इसका सेंसर और मैग्नेट ये दोनों ख़राब हो गया, इसके वजह से ही हो सकता है कि गाड़ी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी में। तो चलिए हम सबसे पहले मोटर को निकाल लेंगे, मोटर को निकालने के बाद आप लोगों को फिर दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या काम किए हम लोग। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसमें क्या फॉल्ट है और किस तरह से रिपेयर किए उसी वही खाली आप लोगों को दिखाएंगे। मोटर फॉल्ट है बोला ना, मोटर कारण तो रिकॉर्ड है। तो चलिए हम डिवाइस को खोल लिए यहाँ से, अब इसका मोटर को भी खोल लेना है। तो देखिए नीचे की साइड पर देखिए सामने की तरफ मोटर लगा हुआ है इसका, तो अंदर से हमको खोलना है जाके। और एक चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल गया है लगता है, देखिए वो जो वायर है वहाँ पे थोड़ा सा भिगा हुआ है, इसका मतलब हमको दिख रहा है कि थोड़ा सा अंदर ऑयल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हम खोल लिए इसको, इसके अंदर भी हल्का सा ऑयल है। ठीक है, इस तरह से पता नहीं चल रहा है लेकिन हल्का सा ऑयल आपको दिख रहा होगा देखिए साइड से। बाकी इसका जो सेंसर है वो तो शॉर्ट हो ही गया, और मैग्नेट भी आप देख सकते हो, मैं पहले ही बोला कि इसका मैग्नेट ख़राब हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेट को आपको दिखाता हूँ घिसने के वजह से क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हो ये मैग्नेट बॉडी के साथ घिसने के वजह से इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। इसका शाफ्ट ख़राब हो गया होगा इसके वजह से, और यहाँ पर एक देखिए मैग्नेट टूटा भी हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नेट जो है उसको चार्ज करके देंगे, और जो सेंसर है उसको हम बदल के देंगे, सेंसर नया लगा के देंगे और मैग्नेट को चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे मैग्नेट को खोल लेंगे और उसका जो सेंसर है उसको बदल देंगे। सेंसर बदलने का वीडियो बहुत सारे मेरे चैनल पे दिख जाएगा, और मैग्नेट किस तरह से चार्ज किया जाता है उस पर भी वीडियो आप लोगों को बहुत सारा दिख जाएगा। यहाँ पर मैं मैग्नेट की एक बार चेक कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये मैग्नेट शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ आते आते नीचे लेके गया तो इस टाइम बंद हो जा रहा है, और ये मैग्नेट शॉर्ट है। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैग्नेट भी शॉर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो शॉर्टिंग है वो आपको इस डिवाइस से पता चल जाता है। ये डिवाइस अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा, ये हमारा मोटर टेस्टिंग, मोटर का मैग्नेट टेस्टिंग डिवाइस है। और एक डिवाइस आता है जो वीडियो के ऊपर दे देंगे आपको, जो हमारा ऑल इन वन मोटर टेस्टर डिवाइस, जिसमें आप मोटर का शॉर्टिंग, मोटर का कॉइल, मोटर का मैग्नेट और मोटर का सेंसर सब कुछ एक में ही चेक कर सकते हो, वो वाला डिवाइस भी हमारे पास मिल जाता है। और एक आता है जो ऑल इन वन कंट्रोलर टेस्टर डिवाइस, जो मैं पहले ही काम करके आपको दिखाया, जिसमें आपको सेंसर का शॉर्टिंग समझ में आ गया और मैग्नेट भी ख़राब है उसमें आपको समझ में आ गया था, वही वाला बोले तो डिवाइस जो है वो आपको अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और ये सब खोलने के लिए देखिए जो हमारा शाफ्ट है मोटर का, उसको खोलने के लिए ये वाला जग को मैं यूज़ करता हूँ, और इस तरह का पुलर मैं बना के यूज़ करता हूँ। अगर चाहिए तो ये भी पुलर हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ज करके सबको फिर लगाएंगे और फिटिंग करके फिर आप लोगों को दिखाएंगे। इसका वीडियो लंबा नहीं किए, अब फिटिंग करके आप लोगों को दिखा देते हैं। सिर्फ इसमें हमने काम किए, सेंसर को बदल दिए और मैग्नेट जो है उसको हमने चार्ज करके दिया, और इसका जो शाफ्ट बियरिंग है वो दोनों को चेंज कर दिए। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया इसमें, और ये गाड़ी हमारा चल रहा है।
हां लास्ट वीडियोटा कर ली। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा कर लो तो वो कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। और आप लोगों का अगर रिक्शा कंट्रोलर टेस्टर डिवाइस ड्रम पुलर एक्सेल पुलर बियरिंग पुलर जो आप वीडियो में देख रहे होंगे ये वाला डिवाइस चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मैं इसको भेज सकता हूँ। इसके लिए आपको मेरे वीडियो के ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप चलता है, उस पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। और कोई भी सामान लेने से पहले मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा कॉल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।